हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक का पुराना वाला लेआउट फिर से किस तरह से एनेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये फेसबुक को अपडेट कर दिया गया है जिसमें कि यहाँ पूरे फीचर्स चेंज हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप साइड बार देख सकते हैं, इधर यहाँ पे चैट बॉक्स आया करता था तो वो भी यहाँ पे हट चुका है। तो काफी लोगों को ये न्यू लुक पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें पुराने वाले लुक की आदत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, अगर आप भी अपने पुराने वाले लेआउट को वापस पाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से पा सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि इन्होंने अपडेट किया है तो यहाँ पे कोई फीचर दिया हो कि आप सेटिंग में जाके और यहाँ से उसको वन क्लिक में एनेबल कर लें पुराने वाले लेआउट को। आप पूरी सेटिंग चेक कर लेंगे तो भी आपको इस तरह का कोई फीचर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसको एनेबल करने के लिए क्या करना होगा, उसी का प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोने पे एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से एप्स पे आ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे वेब स्टोर मिल जाता है, तो इस पे आपको चले जाना है। अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते, गूगल पे भी अगर क्रोम वेब स्टोर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ आ जाना है। इस पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना होगा दोस्तों ओल्ड लेआउट, ओल्ड लेआउट फॉर फेसबुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड लेआउट फॉर फेसबुक का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ही एक एक्सटेंशन मिल जाएगा। इस वाले एक्सटेंशन को आपको यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एड टू क्रोम का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे एड एक्सटेंशन का पॉपअप आएगा, इसको आपको यहाँ से एड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे चेकिंग करेगा और कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे आपका एक्सटेंशन एड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब फिर से हम अपनी फेसबुक पे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक ये न्यू वाले वर्जन में ही चल रहा है, ओल्ड लेआउट अभी तक नहीं आया है। तो इसके लिए आप क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो ये आपके एक्सटेंशन का आइकन रहता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस जगह पर आपका वो एक्सटेंशन आया है। तो नीचे आपको, चलिए मैं नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड लेआउट फॉर फेसबुक का यहाँ पे एक्सटेंशन आ चुका है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ओल्ड लेआउट एंड यहाँ पे न्यू लेआउट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टिक मार के आपका ओल्ड लेआउट पे होना चाहिए और इसके बाद में आपको यहाँ से इसको रिलोड पे, रिलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं इसको यहाँ से रिलोड कर देता हूँ। यहाँ से आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पुराना वाला लेआउट यहाँ पे वापस आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार भी वही आ चुकी है और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे चैट ऑप्शन आया करते थे वो भी आ चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपको भी अगर न्यू वाला लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, आपको पुराना वाला लेआउट लाना है वापस, तो इस तरह से आपको इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे आपका ये पुराना वाला लेआउट वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।